हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गुप्ता नित्या मॉम्स किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। नवरात्रि के इस टाइम पे आज मैं आपके लिए काले चने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हम नवरात्रि में माता के प्रसाद के लिए बनाते हैं और जो कि हम कन्याओं को इसका पूज भी कराते हैं। बिना प्याज लहसुन के आज मैं आपके लिए काले चने की इजी रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान तरीके से हम नवरात्रि में इस तरीके से काले चने बनाएंगे, बिना प्याज बिना लहसुन के, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। काला चना बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन में तेल ले लिया है। चने को दोस्तों मैंने रात भर भिगो कर रखा था और उसको बॉईल कर लिया है। मैं आपको डायरेक्ट सिर्फ हम जो बघार लगाते हैं उसकी रेसिपी आज मैं शेयर कर रही हूँ। इसके बाद मैंने इसमें राई डाली है और थोड़ा सा मैंने इसमें सौंफ डाला है। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, बहुत ही इसी तरीके से आप काले चने की रेसिपी इस तरीके से नवरात्रि में माता के प्रसाद के लिए बना सकते हैं। इन दोनों को हम अच्छी तरीके से सिकने देंगे जब तक कि जो राई है और जो सौंफ है वो अच्छी तरीके से सिक ना जाए। सौंफ में जो इसका फ्लेवर है दोस्तों बहुत अच्छा आता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है, लगभग 1/3 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है। कलर के लिए यहाँ मैंने हल्दी का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन हम कन्याओं को पूज करवाते हैं और कन्याओं को प्रसाद देते हैं, लोगों को प्रसाद बांटते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लाल मिर्च का यूज़ नहीं किया है। यहाँ मैंने सिर्फ हरी मिर्च डाली है, वो भी सिर्फ आधी हरी मिर्च का मैंने यहाँ यूज़ किया है, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। इसको भी हम अच्छी तरीके से, सब मसालों को हम अच्छी तरीके से सेकेंगे दोस्तों। इनको हमें अच्छी तरीके से सेकना ताकि इनमें बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। हम बिल्कुल भी चटपटे नहीं बना रहे हैं, हम नॉर्मली प्रसाद के चने जो है आज हम बना रहे हैं। इसके बाद मैं इसमें काले चने डालूंगी। काले चने को मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्हें मैंने रात भर भिगोकर इन्हें मैंने उबाल लिया था। उबाल के हम डायरेक्ट इन्हें सिर्फ हम छौंक रहे हैं, वो रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इन्हें मैंने अच्छी तरीके से उबाल लिया था, मीडियम फ्लेम पर 3 सीटियों में मैंने इन्हें अच्छी तरीके से उबाल लिया है। इसको हम अच्छी तरीके से सब मसालों में मिलाएंगे ताकि जो मसाला है वो काले चनों में अच्छी तरीके से मिल जाए। इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हमें ध्यान रखना है दोस्तों, कई बार कई लोग उबालते समय भी इसमें नमक डाल देते हैं, इसलिए आप उतना ही नमक अभी यूज करें, नहीं तो जो चने हैं वो थोड़ा नमक ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो नींबू का यूज़ भी कर सकते हैं, या मैंने अमचूर पाउडर का यूज़ किया है। इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और जो चने हैं उनको हम थोड़ी देर के लिए इसी पैन में रहने देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से सिक जाएं। इसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है और जो हमारे माता रानी के प्रसाद के लिए काले चने की रेसिपी है वो बनकर तैयार हो गई है। आप इस तरीके से रेसिपी को बनाएं और माता रानी को उसका भोग लगाएं। नवरात्रि स्पेशल दोस्तों मैं ये रेसिपी लेकर आई हूँ। ये देखिए हमारे जो काले चने हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। इसको हम लगभग 2 से 3 मिनट के लिए वापस से फिर रखेंगे ताकि जो बिल्कुल भी बहुत ही अच्छे लगे और जो ऑयल और मसालों के साथ है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारे जो काले चने हैं दोस्तों बनकर तैयार हो गए हैं। इस तरीके से आप काले चने बनाएं और अपना रिव्यू मुझे दें, कमेंट जरूर करें इस नवरात्रि में, और इस तरीके से एक बार काले चने बनाकर देखें। आपको दोस्तों बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ही आसान से बनने वाली रेसिपी है। इस तरीके से आप रेसिपी को बनाएं और मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करें और मुझे ये भी बताएं आप किस तरह की रेसिपी ज़्यादा पसंद करें। मैं कोशिश करूंगी दोस्तों आप लोगों के पसंद की रेसिपी शेयर करने की। इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।